आज जो चक्का हम किया है लोगों की प्रशासन ने मदद नहीं की है। सुनो जरा सुनो, देखिए अभी अति वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र में भारी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लोगों के लोग कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, लोगों की जो जीवन भर की जो कमाई थी वो कमाई जो है इस बाढ़ में बह गई है। ऐसे समय में शासन प्रशासन को, लोगों को उम्मीद थी कि शासन प्रशासन आकर के उनकी मदद करेगा, उनको राहत देने का काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो उनको दो वक्त की रोटी जो मिलनी चाहिए समय पर, वो दो वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल पाई है। जब उन्होंने अपनी ये विरोध उनने अपना प्रदर्शित किया तो यहाँ के जो थाना चौकी प्रभारी हैं उनने उनके साथ में बदतमीजी करी, दो तीन लोगों के साथ हाथापाई करी, उनकी उनकी भावनाओं को समझने के बजाय, उनकी आवाज़ को समझने के बजाय उनके उनके साथ दादागिरी और बदसलूकी का काम उन्होंने करा है, और उसी से आक्रोशित होकर के हमारी माता बहनों को मजबूर होकर के इतना बड़ा कदम उठाने पड़ा है। आज हम उनके बीच में आए हैं, उनकी जो जायज़ मांगे हैं कई समय से जो है, उनके जो नदी किनारे हमारे जो माता बहनें जो परिवार बसे हुए हैं उनके पट्टों की उनके पुनर्वास की मांग है, उनकी जो अभी उनकी नुकसानी हुई है वो नुकसानी का पूरा पूरा जाकर के जायजा एक एक घर में जाकर के बैठ करके उनसे साथ चर्चा करके मुआयना करके उनकी जो नुकसानी हुई है उसका पूरा पूरा आकलन हो, उसका सर्वे हो, और सर्वे होकर के उनको उचित मुआवजा मिले, उचित राशि उनको मिले, ये हमारे माता बहनों की मांग है। प्रशासन अभी क्या व्यवस्था कर रही है इनकी? अभी तक तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। अभी हमने तहसीलदार साहब को निवेदन करा है, कई लोग कल रात से जो है, कई ऐसे परिवार हैं, कई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है अभी तक भोजन नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया। लगातार जो है हमारे साथी यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, उनसे भी उन्होंने संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो स्थिति निर्मित हुई है, यहाँ का जो प्रशासन था उस प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी हमको देखने को मिली है। हाँ, आज हमारे माता बहनों के बीच में आए, हमने उनको आश्वस्त करा है कि सारी बातें हमने अभी जो है कलेक्टर साहब को भी हमने नोट कराई है, एसपी साहब को भी सारी हमारे जो माता बहनों की मांग थी वो हमने उनको उसका उल्लेख हमने उनके उनके साथ में करा है, और आज इस आश्वासन पे कि समय पर जो है इनके सर्वे होकर के जो भी इनकी मांगे हैं वो मांगे पर उनको पूरा किया जाए, और उनको जो है सारी व्यवस्था स्थापित करने का काम शासन प्रशासन करके दे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।